सर सामने देखो सेंटर में ए बिनो अनिकेत पीछे हट ना अनिकेत अनिकेत पीछे हट जा थैंक यू एकदम सामने सर इधर देखो अनिकेत पीछे मत जाएगा मिल रहा है थैंक यू What I'm expecting tonight is going to be too much of fun and too much of drama, I'm sure, because it's from Yodlee Films. So, and they also are known to create something which is out of the box all the time. I've seen their previous films as well. So, ma'am, hope karon ki kuch twist, kuch drama, kuch entertainment, something out of the box, predominantly because it's Yodlee, yes. मारेंगे साले तुम्हारे कान करने से तो लपट बत्ती सी बाहर आ जाएगी ये बाहर ये आता कनपुरिया के नाम से दिस इज यूपी मैन तो वहाँ पे वही ऐसी बात चलती है मारेंगे कंटा आप तुम्हारे कान करने से लेकिन अगर इसमें इसकी बात करें इस इस फिल्म के बारे में आई वॉन्ट टू सी धुवेंदु एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क एज वेल एंड सिद्धार्थ इज नॉट हियर एट द मोमेंट ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूडले फिल्म्स एंड आई मी एंड सेड गोज लाइक 12 years back long way back I did my second show with him then we did a couple of back to back shows together then he shifted to Yodlee and he's heading the vice president now so anything coming from their box I know what kind of thinking he has and so I'm totally expecting something really really nice aur ye film you know also it's going to be released on web platform yeah lagta hai ki ab filmon ke liye zyada scope ho gaya hai kyunki platforms aa yes yes so I think it's really good actually in a way because jitne zyada platforms honge utna zyada content hoga utna interesting content hoga and every platform wants to make something very unique and content driven so I'm you'll have beautiful stories you'll have rooted stories jinko bahut zyada jagah nahi milti thi kabhi massive films ki wajah se ya fir you know because of the economics and the business but I think we'll have a lot more platforms to come where a lot of great content and of course audience wants to see that as well yeah that's very important yeah. anything coming from for me side? my side main maasi ki baat kar raha hu I just did a film for dharma called shershah which is going to be released in march 2020 alongside siddharth malhotra and kiara advani so okay. Let's hope and pray for the best हमारी फिल्म चल जाए थोड़े अच्छे अभी तो टाइम है वैसे थैंक यू सो मच थैंक्स समझना है तो लिख दे नीचे लिख कानपुर वाले भैया थैंक यू सो मच थैंक यू अरे वीडियो हो रहा था हो गया डन 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 थैंक यू एक एक घंटे में चलो थोड़ी देर सो लो कम सो लो आ जाओ मैम सेंटर देखिए भाई हो जाए साइड दे देना मैम सेंटर देखिए मैम जाए जिसके पास मैम यहाँ पे देखिए फिर आप ले लो ना यार थोड़ा पीछे फिर हाथ आ रहा बार बार बस बस इतना ही विनोद भाई तुम एंजॉय मत करो हाँ अरे एक वीडियो के लिए अरे आप
यार मैं क्या बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हॉटस्टार पे ऑलरेडी है फिल्म, तो प्लीज़ जाके देखिए। हमको बड़ा मज़ा आया फिल्म बनाते हुए, आई रियली होप आप लोगों को भी देखते हुए बड़ा मज़ा आए। कानपुर मतलब इतना फिल्मों में अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, सो हमारा जो डायरेक्टर भी है आशीष, ही इज़ फ्रॉम कानपुर, तो वहाँ की कहानियाँ कुछ चुन के लाया है। मेरा कैरेक्टर जो है वो विजय दीनानाथ चौहान का है और वकील का कैरेक्टर है। लाइफ का पहला केस जो है वो अपने लिए ही लड़ रहा है, इस पर ही किसी ने केस कर दिया है। तो ऐसी आयरनीज से भरा हुआ शहर है कानपुर, जिसको हमने कोशिश करी है दिखाने की। लेट्स सी इफ यू गाइस लाइक इट। विजय दीनानाथ चौहान का जब नाम सुनते हैं तो एक चीज और दिमाग में आती है, क्या मैंने तो इतना फेमस नाम है कौन, इतना मतलब जी 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 आइकॉनिक, जी हाँ। तो आप बताइए कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से कुछ मैच करता है या फिर सिर्फ एक्चुअली सिर्फ नाम ही है, और दैट्स द आयरनी अबाउट द कैरेक्टर कि एक बच्चन साहब ने विजय दीनानाथ चौहान प्ले किया था जो कि यू नो लार्जर देन लाइफ हीरो, और यहाँ पे एक विजय दीनानाथ चौहान मैंने किया विच इज अ बॉय नेक्स्ट डोर, जो उसकी छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम संभाल रहा है और यू नो लाइफ के ज़्यादा बड़े मुद्दे नहीं हैं लेकिन छोटे छोटे मुद्दों में फंस के रह गया है, विच इज़ लाइक लाइफ राइट। हम सारे ऐसा नहीं होता कि वर्ल्ड पीस के लिए लड़ रहे हैं हम, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अटक जाते हैं। सो दैट्स द आयरनी ऑफ द नेम एंड द कैरेक्टर। यार कानपुर के लोग मतलब उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है, मतलब मुझे लगता है कानपुर एक वजह से बोला जाता है कि जब कानपुर बोला जाए तो पहले आप कान को हाथ लगाएं, तो मतलब वहाँ के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर, फिर खाना उस शहर का, उस शहर की हिस्ट्री, पहले कानपुर के नाम से जाना जाता था फिर कानपुर बना वो, तो मतलब इट्स अ सिटी फुल ऑफ फ्लेवर्स, मतलब फुल ऑफ फ्लेवर्स। डिपेंड नहीं करता कि वेब सीरीज है या वेब फिल्म है, मुझे लगता है कॉन्टेंट क्या है, आप जो कहानी कहना चाह रहे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है वेब फिल्म या वेब सीरीज़ बनाना, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ इंडियन मार्केट के साथ हैं, यू आर इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, यू नो। अब आप और गेम ऑफ थ्रोन्स एक ही क्लिक अवे हैं, यू नो, या तो फिल्म लोग आपको देखेंगे या नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है टिकट ले लिया तो देखेंगे, सो इट्स वेरी मेरिट बेस्ड, वो एक अच्छी बात है। तो जिसका कंटेंट अच्छा होगा मेरे हिसाब से वो ही आगे जाएगा। लेकिन अगर बात करें वेब प्लेटफॉर्म की वजह से, डू यू थिंक कि फिल्में बनाना अब इजी? हाँ मतलब अब प्लेटफॉर्म ज़्यादा हो गया है और वेब का रीच बहुत ज़्यादा है, तो अब ओपनिंग डे फिगर्स, वीकेंड और नंबर ऑफ स्क्रीन्स, इस सब के लिए जैसा लाइक आई सेड आशीष इज़ अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, उसको लड़ने की जरूरत नहीं है, यू नो, ही कैन जस्ट गो आउट देयर, से हिज स्टोरी, यू नो, एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड जस्ट बी हैप्पी अबाउट द होल प्रोसेस, यू नो। ओके देवेंद्र जी के साथ में अगर आपकी अगर लुक की अगर बात करिए, नए लुक में नजर आ रहे हैं। हाँ जी, किस फिल्म का लुक है ये, किस चीज़ का? यार बहुत दिल कर रहा है बताने का लेकिन बता नहीं सकता, कॉन्ट्रेक्चुअली थोड़ा सा बाउंड हूँ, लेकिन आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। मैं बस ये बता रहा हूँ थोड़ा पीरियड हिसाब कर रहा हूँ इस बार, पहली बार मैं कुछ भी नहीं बता सकता, सॉरी। थैंक यू। घुसो भाई, उसको गुस्से में मैडम जी इधर देखिए, पूजा जी इधर इधर चलो चलो भाई, ये नीचे करो उसको।
वीडियो